mentioning my name, but don't like what you say. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pussy, that's why they talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. हेलो फेलोस, तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीस्ट बॉयज लाइव में। एंड आज की वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाले, बिकॉज इस वीडियो में हम सब माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक करने वाले हैं, और ये भी सेकंड पार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहला टिकटॉक हैक होने वाला है वो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है, बिकॉज आप जानते हो यार, माइनक्राफ्ट में आजकल ना बहुत बंदे मल्टीप्लेयर खेलते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, एंड बहुत ज्यादा होता चांस होता है कि वो जो फ्रेंड्स है आपका सामान चोरी कर लेता है, जैसे कि डायमंड्स, जैसे कि एन्चेंटेड एप्पल, जो आप डेजर्ट टेम्पल बहुत जगह घूम घूम के आपको जाके आपको एन्चेंटेड एप्पल मिलता है, आपको डायमंड माइनिंग से मिलता है, एंड वो आपके फ्रेंड्स एक सेकेंड में घर में घुसते हैं एंड चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो यार ये क्या है, मतलब है ये क्या है भाई, मतलब कुछ भी भाई। मेरे साथ भी सेम होता है भाई, मेरे घर में घुस के भाई, जब मैं मल्टीप्लेयर खेलता हूं आराम से घुस के भाई, चेस्ट से डायमंड वायमंड सब गायब। भाई इससे आपको बचना है क्या, बोलो इससे आपको बचना है। तो मैं बहुत ही अच्छा माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक लेके आया हूं, जिसको अप्लाई करने से आप, तो गाइज आपको यहाँ पे क्या क्या आइटम्स लगेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बिकॉज आइटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना आइटम्स का आप बना नहीं सकते हो। तो सबसे पहला जो लगेगा रेडस्टोन टॉर्च लगेगा गाइज, और दूसरा जो है रेडस्टोन डस्ट लगेगा, तीसरा जो है बुक सेल्फ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं बना सकते। और उसके बाद आपका जो स्पेशल चीज है चेस्ट, जो आप कहीं भी रख देते हो घर में और वो जो फ्रेंड आता है वो आराम से चोरी करके लेके चला जाता है, एंड आप फिर वही सेम काम माइनिंग करना, एडवेंचर करना, फिर से वही काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो ये चौथा, पांचवा जो है वो पेंटिंग लेना है, और फिर छठा जो है वो आपको लेना है पिस्टन, और यहाँ पे आपको लेना है एक प्रेशर प्लेट एंड कुछ नहीं गाइस, तो वो वेस्टेड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक घर जाना है, मतलब आपको जहां पे बनाना है वहां पे जाना है, एंड सिंपली से आपको ये जो है बुक सेल्फ है वो इस तरह से प्लेस करना है, एंड इसके पीछे एक टॉर्च लगा देना है सिंपल से इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये जो रेडस्टोन डस्ट है यहाँ पे एक ब्लॉक और दो ब्लॉक ऐसे रखना है गाइस, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बुक सेल्फ रखना है, एक दो पीस बुक सेल्फ रखने के बाद इसके ऊपर रखना है रेडस्टोन डस्ट इस तरह से, जिस तरह से मैंने प्लेस किया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको दो पिस्टन लगाना है इस तरह से। लगाने के बाद आपको सिंपली से काम करना है, यहाँ पे एक गड्ढा खोदना है गाइस, एंड यहाँ पे आपको चेस्ट रखना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड पीछे का आप देख लो गाइस किस तरह से लगेगा, एंड ये आपको ध्यान रखना है। एंड अब क्या करना है गाइस, बुक सेल्फ को आप कवर कर दो अच्छे तरीके से, अगर जितना भी एरिया लेता है आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से कर लेना। एंड गाइस यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ उसको प्लेस, एंड इस तरह से आपको करना है, एंड देन यहाँ पे भी आपको एक इस तरह से करना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है, एंड इस तरह से बुक सेल्फ आपने रख दिया इस तरह से, एंड पीछे की तरफ आपको क्या करना है गाइस, एक बुक सेल्फ आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, इसको बंद करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है, चारों तरफ आप यहाँ पे बुक सेल्फ लगा दो, एंड यहाँ पे आपको एक पेंटिंग लगा देना है, जिससे क्या, नहीं सॉरी, इसके अंदर आपको प्रेशर प्लेट लगाना है, ठीक है। फिर आपको ये सामने की तरफ ये जो है इस तरह से आपको पेंटिंग प्लेस करना पड़ेगा, एंड ये जो है सामने की तरफ जो मैंने ब्लॉक्स लगाया था ये बुक सेल्फ का, वो आपको हटा देना है। एंड सिंपली से गाइस इस तरह से आपका बन गया इनविजिबल चेस्ट रखने वाला। एंड यहाँ पे मैं डायमंड ले लेता हूँ गाइस, अब मान लो कि मैं डायमंड ले लिया, ठीक है, डायमंड मैंने यहाँ पे एक स्टैक डायमंड ले लिया है, एंड यहाँ पे मैं एक घर मान लो, ये घर है, ठीक है ना, एक सिंपल सा जो बंदा रहेगा, जो बेवकूफ रहता है, जो माइनक्राफ्ट का कोई आइडिया नहीं रहता है, वो क्या करेगा गाइस, अपना माइनक्राफ्ट माइन करके यहाँ पे आएगा एंड अपने घर में घुसेगा और मजे में डांस करके जाएगा, एंड यहाँ पे अपना डायमंड रख देगा, वेरी गुड, और फिर एडवेंचर में चला जाएगा, एंड देन इसके फ्रेंड्स आएंगे, अरे भाई आज इसने क्या रखा है भाई, चलो यार लूटते थोड़ा सा इसको। ओ भाई साहब, लिटरली 64 डायमंड भाई, इसका फ्रेंड आ जाएगा लालच में, एंड इसका
काम खत्म एंड ये भाग जाएगा। फिर वो बोंदू आएगा एंड देन देखेगा कि भाई मेरा डायमंड कहाँ गया भाई। फिर अब जब वो जाएगा अपने घर, वो अपने इंचांटमेंट रखने के लिए अगर कुछ भी लेके आया भाई, वो बोले अरे भाई मेरा डायमंड, ओ माय गॉड, वो देख के पागल हो जाएगा भाई। अब वही प्रो बंदे जब आते हैं, जब प्रो बंदे आएंगे तो ये डायमंड कहाँ पे छुपाएंगे गाइस। ये आपको करना क्या है, आपको रेडस्टोन डस्ट लेना एंड इसके अंदर फेंकना एंड गाइस आप सब सिंपल ही देख सकते हो गाइस, जो भी प्रो होते हैं वो इस तरह से अपने स्टोरेज को बचाते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रख दूंगा अपना डायमंड एंड आप इजिली यहाँ पे अपना डायमंड रख सकते हो एंड इजिली डायमंड रख के गाइस अब यहाँ पे आपको सामने की तरफ आना है एंड ये आपका रेडस्टोन ले लिया गया एंड गाइस बूम। गाइस रेडस्टोन एक टाइप का की है जिसको आपको खोलने में उसको मदद मिलेगा एंड आप बूम एक टाइप का भाई। अब आपका फ्रेंड आएगा भाई, वो भोंदू आएगा, मतलब वो जो भाई जो चोरी करने आएगा तुम्हारा फ्रेंड। अब तुम आराम से भाई वो सोचेगा भाई चेस्ट में रखा होगा भाई, ये क्या भाई आज डायमंड नहीं है, ये क्या कोई मतलब, ये क्या मजाक चल रहा है भाई। वो भी सिंपली भाई तुम्हारे घर से निकल के चला जाएगा भाई, गरीबों का घर है, बट उसको क्या पता है भाई कि अंदर क्या है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो गाइस चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दो, बिकॉज यार मेरा जो चैनल का वो क्या बोलते हैं रीच है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है गाइस। पहले 48% यूट्यूब रिकमेंड करता था कोई भी, मतलब किसी को भी मतलब रिकमेंड ही से तो भाई तुम्हारा चैनल चलेगा ना। तो अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया गाइस, ओनली 6% ही यूट्यूब रिकमेंड करता है, बिकॉज मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ एंड लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर रहा हूँ, छः महीना नहीं 4 months हो गए हैं। तो यार बहुत ज़्यादा डाउन हो गया चैनल, तो गाइस हेल्प करो गाइस। एंड गाइस बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ गाइस, जो भी हमारे चैनल को देख रहा है वो पहले आप अगर सब्सक्राइब किए तो भाई पहले अनसब्सक्राइब कर दो फिर सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना एंड दैट कुड बी हेल्पिंग अस। एंड गाइस कैसा लगा ये वीडियो ये बता दो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना एंड शेयर भी करना हमारे चैनल को। एंड गाइस एक और बात बताता हूँ यार, ये अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में जरूर ट्राई करना एंड गाइस कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको, अगर पता था तो यार बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। यार ये तो मेरे को पता था भाई, कुछ अलग टाइप का बना भाई, तब ना मजा आएगा, तो फिर मैं वो भी ट्राई करूंगा एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड सी यू गाइस।